नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में पाए जाने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसके कारण सर्जरी के लिए निर्भरता आ सकती है, ऐसी ही एक प्रॉब्लम का नाम है ओवेरियन सिस्ट। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पीसीओडी, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें काफी सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि लोग हार्मोन की दवाइयों से जिंदगी भर दवाई लेने के लिए मजबूर रहते हैं। हार्मोन के कारण ही उनकी साइकिल आने की टेंडेंसी जो मौजूद होती है, उसे हम मॉडर्न ओपीसी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से शुरुआती लेवल पर ही ठीक करके पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, ताकि आप जिंदगी भर हार्मोन या अन्य प्रकार की जो दवाइयां उसके सपोर्ट में ना रहकर अपना नेचुरल रिस्पॉन्स वापस मेंटेन कर सके। हम बात कर सकते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ पेशेंट, मिसेस सीमा तवर, जिन्होंने पीसीओडी के लिए मॉडर्न ओपीसी का ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को पूरी तरीके से ठीक किया। हम बात कर सकते हैं पीसीओडी से रिलेटेड मिसेस कृतिका रजत श्रीवास्तव, जिन्होंने पीसीओडी के कारण जो इनफर्टिलिटी की जो समस्या थी उससे भी पूरी तरीके से अपने आप को ठीक किया और आज भी अपने स्वस्थ बच्चे के साथ अपने परिवार में अच्छे से आनंद से अपना जीवन जी रही हैं और कहीं ना कहीं मॉडर्न ओपीसी के फायदों से अपने आप को बता भी पा रही हैं। दोस्तों, जिस तरीके से मॉडर्न ओपीसी एक नेचुरल, सेफ और परमानेंट एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में काफी सारी बीमारियों के लिए चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है, और निश्चित रूप से जिस तरीके से ये 3000 पेशेंट आज खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीकर मॉडर्न ओपीसी के माध्यम से अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो दोस्तों मॉडर्न ओपीसी जो कि एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट, जो कि फास्ट, नेचुरल, सेफ, परमानेंट, इजी और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में साबित हो रहा है, और निश्चित रूप से होम्योपैथी का मॉडर्नाइजेशन करके जो हमने एक नया कंसेप्ट दिया है, जिसमें दुनिया की काफी लाइलाज बीमारी, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट, चाहे वो किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 के पेशेंट्स जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बताया जाता है, कई ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर स्टेरॉइड या पेन किलर के बारे में बताया जाता है, कई ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जरी एकमात्र उपाय है या सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि सर्जरी वापस नहीं करानी पड़ेगी या बीमारी फिर से वापस लौट के नहीं आ सकती, या ऐसी कई बीमारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मिर्गी, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इस तरीके की बीमारी, या कई ऐसी बीमारी जो कि इवन हॉस्पिटल कैटेगरी में जाकर काफी इमरजेंसी सिचुएशन में आ सकती है, इवन जो कोमा की स्थिति के पेशेंट होते हैं जिन्होंने मॉडर्न ओपीसी ट्रीटमेंट के माध्यम से अपना न केवल रिकवरी किया बल्कि ऐसे 300 बीमारियों के लिए जो 3000 से ज्यादा पेशेंट आज ठीक होकर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर उन सभी पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्री के आधार पर, उनके द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा लिखे गए रिव्यू के आधार पर, उनके द्वारा बताए गए प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर आप उन सभी पेशेंट के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मिसेस सरजूबाई एवं अन्य कई प्रकार के पेशेंट ने कहीं ना कहीं चमत्कार के रूप में सर्जरी बचाकर अपने आप को फिर से खड़ा किया, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर, थैंक यू, नमस्कार।